Whenever there is a double bond, and we add KMnO4, that is alkaline. KMnO4 alkaline is called Peirce reagent. Alkaline KMnO4 is called Peirce reagent. अगर हम बेयर रिएजेंट ऐड करते हैं तो आपके पास नमस्कार बेटा KMnO4 इज गोइंग टू हैव दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट. KMnO4 इस तरह से अटैच हो जाता है. अगर ये सेम साइड से ऑक्सीजन की अटैचमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट इज लेटर ऑन फाउंड टू बी OH प्लस MnO2. तो KMnO4 के साथ अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो बेयर्स रिएजेंट दैट इज KMnO4 व्हेन इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी आर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल्स. दिस इज विसिनल डायोल दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोल. विसिनल डायोल तो वी हैव विसिनल डायोल दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोल इज फॉर्म्ड व्हेन इट इज एल्कीन एंड KMnO4 अल्केलाइन. दीज टू आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहां पे ये बेयर्स रिएजेंट पिंक कलर का है और पिंक से आपको एक कलरलेस आंसर मिलेगा. तो वी कैन से पिंक टू कलरलेस. पिंक टू कलरलेस इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन. तो अनसेचुरेशन इज इंडिकेटेड बाय दिस रिएक्शन. ये जो एडिशन हुआ है दिस एडिशन इज कॉल्ड सिन एडिशन. इस एडिशन को बोलते हैं सिन एडिशन क्योंकि जो एडिशन हुई है उसमें दोनों OH ग्रुप एक ही साइड से एक ही सिस्टम से ऐड हो रहे थे. इन द सेम मैनर अगर आपके पास एल्कीन है और आप इसमें डालते हो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड. बेटा ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड अगेन इज बीइंग एडेड फ्रॉम सेम साइड. ये भी आपको जो बॉन्डिंग देगा वो ऐसी होगी ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड लाइक दिस. हाँ जी बेटा अच्छा ठीक है बेटा. ब्राइटनेस कम करूंगी ज्यादा. आप देखते रहना ठीक है. आप ठीक है? आप ठीक है? हाँ जी बेटा बोलो. सिन एडिशन का मतलब दोनों OH ग्रुप एक ही साइड से ऐड हो रहे हैं. ठीक है सेम साइड से एडिशन हो रही है ना. अगर एक इधर से और एक ऑपोजिट साइड से आता तो आपको कहते हैं एंटी एडिशन. तो यहां पे आपके पास जो कंपाउंड बना है अगेन इट इज सिन एडिशन. अभी भी आपके पास जो प्रोडक्ट बना है दैट इज बाय सिन एडिशन. यानी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और KMnO4 दोनों ही आपको कौन से ग्लाइकोल्स दे रहे हैं दैट इज विसिनल डायोल्स ग्लाइकोल्स. और दोनों ही केसेस में आपकी जो एडिशन है दैट इज गोइंग टू बी सिन एडिशन. आपके पास ए बी और सी थर्ड पार्ट. अगर हम एल्कीन्स लें और इसमें परऑक्सी डालें. हाँ जी बेटा
सिन एडिशन का मतलब है बेटा जब ग्रुप जो है दोनों OH या दोनों ऑक्सीजन एक ही साइड से, या छोड़ा एक कार्बन है या दो कार्बन है, तो दोनों को इधर से ही आना पड़ेगा ना बर्निंग के लिए. ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ऑक्सीजन है तो एक पीछे से चला जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो जो मॉलिक्यूल है उसमें जो MnO4 है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा है, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर के लिए एक ही साइड पे हो जाना जरूरी है. ऐसे नहीं बना सकते कि एक इधर और एक इधर से घूम के इधर आ जाए, राइट. तो जब एडिशन दोनों बिल्कुल सेम साइड से हो रही है हम कहते हैं दिस इज सिन एडिशन. सिन एडिशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट देखो आपके दोनों OH एक ही साइड पे नजर आ रहे हैं, बोथ द OH ऑन द सेम साइड. यहां पे दोनों सेम साइड पे नजर आ रहे हैं. अगर हम ये कहें कि अगर आपने परऑक्साइड से ऑक्सीडेशन की, इट इज परऑक्साइड्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दिया या कोई परऑक्साइड और डाला, तो आपके पास फिर एडिशन ऐसी होती है. नाउ इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. हम कहते हैं अब ये हो गई एंटी एडिशन. तो बनेंगे तीनों ही केसेस में ग्लाइकोल, तीनों में डायोल्स ही बन रहे हैं. OH दो बार लग गए थे, लेकिन आपके पास MnO4 नेगेटिव और ऑस्मिन टेट्राऑक्साइड सिन एडिशन, जबकि परऑक्साइड्स आर लीडिंग टू एंटी एडिशन. हाँ जी बेटा, कुछ बोल रहे थे आप? इस बार आप जूम कर लो, ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लो, ऊपर जूम करके पढ़ा जा रहा है. कौन सा मार्कर? जो अब मार्कर यूज कर रही हूँ वो ठीक चल रहा है, डार्क वाला ये ठीक, ये पढ़ा जा रहा है ये वाला. नहीं अब ये वाला मार्क कर, ये डार्क है, ये ठीक चल रहा है. अच्छा चलो, इस बार आप जूम करके थोड़ा सा नोट करा लो. आप ठीक है? सारा सेंटर अब डिक्लेयर हो रहे हैं. नाइट इज फ्रॉम एल्काइन्स टू एल्कोहल्स. अब तक हमने क्या था? एल्कीन्स टू एल्कोहल्स. नाउ इट इज फ्रॉम एल्काइन्स टू एल्कोहल. बेटा एल्काइन्स यानी कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दिस इज एल्काइन. अगर हमें एल्काइन से एल्कोहल बनाना है तो एक मेथड तो हमारे पास है कि हम पहले इसकी रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम, या फिर हम कर सकते हैं लिथियम एंड अमोनिया और सोडियम एंड अमोनिया. और तीसरी पॉसिबिलिटी है वी कैन हैव रिडक्शन ऑफ दिस बाय यूजिंग लेड, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लेड, बेरियम सल्फेट, सल्फर एंड क्विनोलिन. तो ये तीन पॉसिबिलिटीज थी रिडक्शन की. अगर हम एल्काइन्स की रिडक्शन करते हैं तो वी कैन गेट हाइड्रोजन, निकल और प्लेटिनम, इट इज डायरेक्टली एल्केन. आपको सीधा ही एल्केन मिल जाएगा. और आपको पता है कि एल्केन से एल्कोहल कैसे बनेगा? पहले एल्केन से एल्काइल हैलाइड और फिर एल्काइल हैलाइड टू एल्कोहल. अगर हमें एल्काइन्स मिला तो एल्काइन से हम एल्कीन बनाएंगे. वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एंड टू हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड. अभी कौन सी एडिशन है, सिन की एंटी? इट इज एंटी एडिशन, यानी ऑपोजिट साइड से आपके दो हाइड्रोजन एड हुए. जैसे ये एड होंगे तो हम कहेंगे नाउ इट इज लीडिंग टू एल्कीन. ये एक एल्कीन फॉर्मेशन हुआ.
और इस एल्केन फॉर्मेशन में हमें ट्रांस एल्कीन मिलता है और ट्रांस एल्कीन के बाद अब एल्कीन आपके पास बन चुका है. एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए वी कैन ऐड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. हाँ जी बेटा. क्या चीज बेटे? नहीं, कार्बन पे हाइड्रोजन तो सेम एक ही जैसे. एंटी का मतलब है दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से अटैक नहीं करेंगे. दोनों हाइड्रोजन का अटैक ऑपोजिट साइड से होगा. यानी ऐसे अगर रुपया एक एच अगर ऊपर से अटैक करेगा तो एक नीचे से. हाँ जी बेटा बोलो. बेटा अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन या किसी भी ग्रुप का एडिशन आपको ऑपोजिट साइड से दिखे, ठीक है, तो हम बोलते हैं एंटी. अगर दोनों सेम साइड से आ जाए तो सिन, SYN. अब ज्यादा देखो यहां पे जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे बनेगा यहां पे भी एल्कीन. हेयर ऑल्सो विल गेट एल्कीन. लेकिन यहां पे दोनों हाइड्रोजन्स बिल्कुल सेम साइड से आएंगे, ऐसे आएगा. यानी अगर आपके पास आपने लिंडलार्स रिडक्शन की तो लिंडलार्स रिडक्शन में यू आर गोइंग टू गेट सिन एडिशन टाइप रिएक्शन. यहां पे आपको सिस एल्कीन्स मिलते हैं और यहां पे आपको ट्रांस एल्कीन्स मिल रहे हैं. ये कौन सी रिएक्शन है? बर्च रिडक्शन. तो बर्च रिडक्शन इज लीडिंग टू ट्रांस प्रोडक्ट और लिंडलार्स रिडक्शन इज लीडिंग टू सिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट स्टेप आपको आता है कि इसके बाद आप हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन या जो भी मेथड आप चाहो. अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. कौन सा रूल लगा देंगे आप? मार्कोनिक ऑफ रूल. तो आपने मार्कोनिक ऑफ रूल लगा के आंसर डिसाइड कर लेना है. दैट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप. इट मीन्स एल्काइन से एल्कीन की तरफ जाना पड़ेगा और फिर एल्कीन से एल्कोहल. तो एल्काइन टू एल्कीन एंड देन एल्कीन टू एल्कोहल. दैट इज योर थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्कोहल्स. ठीक है, दोबारा देख लो. सबसे पहले हम क्या करते हैं? एल्कीन बनाने की कोशिश करते हैं. तो एल्कीन दो तरह से बन सकती है, या तो लिंडलार्स रिडक्शन या फिर बर्च रिडक्शन. बर्च रिडक्शन में आपको ट्रांस प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं और यहां लिंडलार्स में आपको हमेशा क्या मिलेगा? सिस. हाँ जी बेटा बोलो. एक्वस केवेज डालोगे तो OH नेगेटिव डाल दिया, H पॉजिटिव आपके पास नहीं आएगा. बेसिक मीडियम में यहां पे आपको लास्ट क्लास में मैकेनिज्म कराया था, तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या था? अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन. जब आप एक्वस केवेज डालोगे तो H पॉजिटिव आयन नहीं, OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे. न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए ना हमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करनी है, मार्कोनिक ऑफ रूल लगाना है. इस टी जब भी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाना हो तो हमें एसिडिक मीडियम प्रेफरेबल होगा ताकि हमें इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा मिले. ठीक है, बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल ज्यादा हो जाते हैं. तो दैट इज एल्काइन टू एल्कोहल. अब बेटा इसके अगले स्टेप में मैंने बोला कि वाटर एड हो जाएगा. H पॉजिटिव OH नेगेटिव, एक कार्बन पे H चला जाएगा और दूसरे पे OH. एडिशन करनी है आपको H और OH की. ठीक है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर सकते हो. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करें तो एंटी मार्कोनिक ऑफ. तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं. अगर आपने मार्कोनिक ऑफ रूल लगाना है तो वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इफ यू हैव B2H6 एंड परोक्साइड तो क्या आंसर आएगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर. तो यहां पे आपको मिल जाएगा एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट.
that is about alkynes to alcohol. Samajh aaya? हाँ जी बेटा, अभी तो मैंने कुछ लिखा नहीं है ना, ये तो मैंने आपको टेक्निक बताई, रूट बताया कि ऐसे ऐसे चलेंगे. आगे वो तो आपको जब रिएक्टेंट दिया जाएगा ना, फिर उससे समझ आएगा कि मार्कोनिक ऑफ लगाना है कि एंटी. अभी तो आपको कुछ दिया ही नहीं गया, अभी तो एक टेक्निक देखी कि इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है ट्रोपाइन, एग्जाम्पल देख लो. अगर हमारे पास प्रोपाइन टू प्रोपेन वन ओल आपको बनाना है, प्रोपेन वन ओल, ठीक है, एक ये कन्वर्जन है. सेकेंड टाइम हमने आपको कहा कि प्रोपाइन टू प्रोपेन टू ओल बनाओ, प्रोपेन टू ओल. तो ये दोनों कन्वर्जन स्टार्ट तो एक ही जैसी हो रही, लेकिन आंसर दोनों के अलग आ रहे हैं. तो पहले स्टेप में आप बताओ क्या करना चाहिए. पहले सबसे पहले आप प्रोपाइन से प्रोपीन बना लोगे. प्रोपीन बनाने के बाद आपको ये सोचना है कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन कि एंटी मार्कोनिक ऑफ. करो जरा, कैसे करो. Now these two conversions, propyne to propane 1-ol, propyne to propane 2-ol, one is according to Markovnikov, another is anti-Markovnikov. हाँ जी बेटा, हिमांशु बोलो बेटा. टाइमिंग्स के लिए बात करनी है मैम से. अच्छा बेटा, अभी तो मैम कहीं बाहर गए हैं, जैसे वो आएंगे तो मैम की बात करोगे आपसे, ठीक है. नेक्स्ट इज फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स टू एल्कोहल. फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स टू एल्कोहल्स. Alkyl halides to alcohols, that is our fourth method. Alkyl halide to alcohol is, आपके पास आर एक्स है और आप उसमें एक्वस क्यूएच डाल दो, तो एक्वस क्यूएच की एडिशन से जैसे आप एक्वस क्यूएच ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा आर ओ एच प्लस के एक्स, राइट. समझ आ गया. यहां पे आपके पास हो रही है सब्स्टिट्यूशन, एस एन रिएक्शंस. ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. और जब हम कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो एल्काइल हैलाइड डिसाइड करेगा कि ये SN1 होगा या SN2, ठीक है. यानी आपका SN1 या SN2 का डिसीजन किस पे डिपेंड करेगा. अगर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है तो SN1, और अगर प्राइमरी है तो SN2. तो अकॉर्डिंगली यू कैन हैव दिस सब्स्टिट्यूशन. QH हो सकता है और इट कैन बी NaOH. वी कैन हैव वाटर ऑल्सो, लेकिन जब हम वाटर लेंगे तो हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर तो आप कहोगे इन बेसिक मीडियम होना चाहिए. व्हाट इज बेसिक मीडियम, क्योंकि आप चाहते हो न्यूक्लियोफाइल्स शुड बी मोर इन नंबर, और न्यूक्लियोफाइल तभी ज्यादा होंगे, ओएच नेगेटिव तभी ज्यादा होंगे जब आपके पास बेसिक मीडियम होगा. तो इन बेसिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल दैट इज ओएच नेगेटिव इज मोर इन अमाउंट, तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो एल्काइल हैलाइड टू एल्कोहल इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये मेथड आप ऑलरेडी कर चुके हो.
ठीक है जी, समझ आया सबको? यस मैम. गॉट इट. फिफ्थ मेथड इज फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू एल्कोहल्स. फिफ्थ मेथड हमारे पास है फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू एल्कोहल्स, यानी आपको हर चैप्टर से एल्कोहल तक आना है. तो अब हम एल्डिहाइड कीटोन से एल्कोहल तक कैसे आएंगे? एल्डिहाइड का फॉर्मूला बताना. CH3CH. फिफ्थ मेथड इज फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. बेटा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू एल्कोहल्स के लिए एल्डिहाइड्स होते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच. दिस इज योर एल्डिहाइड. ठीक है, अगर ये एल्डिहाइड है और आप इसमें ऐड कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला है और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसके पास H नेगेटिव आइंस है. ये समझ आया?